मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक सनसनीखेज खुलासा किया है। जांच एजेंसी ने बताया कि मामले के प्रमुख आरोपित ब्रजेश ठाकुर और उसके सहयोगियों ने कथित रूप से 11 लड़कियों की हत्या की थी और उसके बाद शमशान घाट से एजेंसी ने लड़कियों की हड्डियां बरामद की हैं। आपको बता दें कि शीर्ष कोर्ट में दाखिल अपने शपथ पत्र में सीबीआई ने कहा कि जांच के दौरान पीड़िताओं के दर्ज किए गए बयान में 11 लड़कियों के नाम सामने आए थे और उसके बाद पूछताछ में एक आरोपित से मिले संकेत पर शमशान घाट में खुदाई की गई और जहां से हड्डियों को निकाला गया है। गौरतलब है कि एनजीओ की ओर से संचालित बालिका गृह में कई लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया गया था और ये मामला टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट से सामने आया है और साथ ही इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। इसके बाद जांच एजेंसी ने ब्रजेश सहित 21 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।